महिंद्रा वालों ने आपकी शक्तियां लौटा दी है। हाँ सही बात है। सो लास्ट वीडियो अपन ने यहीं पे एंड किया था, बिकॉज लास्ट वाला व्लॉग ना काफ़ी लेंथी हो गया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे पहले ये वाला व्लॉग देखो। जब आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद है तब जाके वो वाला व्लॉग चेकआउट करना। काफ़ी अमेजिंग ट्रेल आने वाली है जिसमें लेफ्ट एंड राइट में इतनी ग्रीनरी होगी ना, आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने वो वाला व्लॉग ना वहीं पर एंड कर दिया था, जिससे मैं आप लोगों को ना वो वाली ट्रेल्स दिखा सकूँ। देखो मानसून के अंदर ये ट्रेल्स है ना बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, इसलिए ओहो इधर से चले क्या? चलो भैया वाइजर बंद करके चलाना पड़ेगा, आगे ना आंखों पे मिट्टी आ गई है। फिर 4x4 गाड़ियों के साथ ट्रेल पे आना ना थोड़ा ट्रिकी होता है। आधे टाइम तो इनको चेस करने में निकल जाता है, आधे टाइम पे ट्रैक ख़राब हो जाता है और आधे टाइम ट्रैक का पता ही नहीं लगता। अब आगे आने वाला स्लश, आई थिंक मेरे को आगे वाले टाइम में तो ये है थोड़ा ट्रिकी टास्क। ये देखो स्विमिंग पूल के मजे ले रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, कपड़े उपड़े कितने भाई? हो बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत चिकनी है। ओ फंस गई, फुट रहे सड़ रहे, बहुत ही डीप हो रखा है। तभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है अनिल भाई। चलो आ जा इधर से चलते राहुल, बहुत ही चिकनी मिट्टी है भाई, और ट्रैक और खराब हो गया है। आज हो रही है भाई स्लश राइड, होली क्रैप, गई भाई आधे से ज्यादा नीचे।
ए भी ब्रेक गया आगे का भाई, एबीएस ने ना पूरा फ्री कर दिया था गीले में। ये पूरा आगे वाला जो ब्रेक है ना, एबीएस पूरा फ्री हो गया था। चलो आज नई चीज़ें सीखने को मिली है, एकदम नई। बहुत ही अमेजिंग। मतलब मैं रिदम तो बना ही नहीं पा रहा भाई। वो तो अभी ऐसी कुछ कंडीशन है अपनी बाइक की। तो ये वरुण भैया पीछे थोड़ा सा धक्का दे रहे थे, तो शायद ये वाला जो पार्ट है ना निकल गया है। दो तो लॉक निकल गया है, शायद एक लॉक टूट गया है, तो ये नया लगेगा यस। बाकी ये देखो भाई, ये हो रखी है अभी ऑफ रोडिंग में बाइक की कंडीशन। ओ नीचे तो देखा ही नहीं अपन ने। तो ये वही सेम जगह है जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम आए थे, यहीं पे मैगी बनाई थी, यहीं पे ड्यून चढ़ा रहे थे हम लोग। तो अभी सेम चीज़ वापस करने वाले हैं, मैगी वैगी बनाएंगे फिर निकल जाएंगे। हाजी क्या है ब्रेकफास्ट में आज? कचोरी। कचोरी आज फ्रेंडशिप डे मना रहे हो आप? है हाँ, ये तो बंगाली मिठाई लाए हुआ। ये कौन सी मिठाई है? बंगाली मिठाई। अरे वाह जी वाह, चीयर्स चीयर्स। ये बंगाली मिठाई आप भी खाओगे क्या? आप मीठा तो नहीं खाते ना? चालू कर दिया वापस। खाते हो तो आगे बढ़ो। इनकी प्लेट में रखो एक और। अभिषेक भी आ गया। अरे रखो रखो यार, इनका रखो। राजेश भी आ गया। तो ये GoPro की लाइफ है भाई। GoPro की बैटरी ना इतनी जल्दी ड्रेन हो गई है ना, इसलिए ना सब लोग निकल गए और मैं लेट निकल रहा हूँ। देख रहे ना, थोड़ा हैक्टिक था। मतलब स्लश में ना पहली बार मतलब इतना स्लश देखने को मिला कि 30-40 किलोमीटर तक स्लश के अंदर ही चलानी थी। तो इसलिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि हैबिट नहीं है स्लश के अंदर चलाने की। बाकी सब कुछ बढ़िया था। तो GoPro ऊपर अब ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा एंगल बस। तो ये GoPro की लाइफ है भाई। GoPro की बैटरी ना इतनी जल्दी ड्रेन हो गई है ना, इसलिए ना सब लोग निकल गए और मैं लेट निकल रहा हूँ। देख रहे हो। तो आज का दिन ना थोड़ा हैक्टिक था। मतलब स्लश में ना पहली बार मतलब इतना स्लश देखने को मिला कि 30-40 किलोमीटर तक स्लश के अंदर ही चलानी थी। इसलिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, क्योंकि हैबिट नहीं है स्लश के अंदर चलाने की। बाकी सब कुछ बढ़िया था। ये सही है यार, हीरो 4 ना, कोई बैटरी का लोड नहीं, बस एक स्टेबलाइजेशन का लफड़ा पड़ता है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये होती है ऑफ रोड लाइफ। वेल तो चलो अभी अपन चल रहे हैं घर पे। और अभी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बहुत जगह ना इसमें कीचड़ जा चुका है, और इसकी वॉशिंग ना अभी करवानी पड़ेगी। अगर एक दो दिन बाद करवाऊंगा ना तो क्या होगा ना, रस्ट पकड़ेगी। और हाँ, 3 तारीख को अपना बर्थडे है, तो 3 तारीख तक अपन दोस्तों के साथ बिजी रहेंगे, तो एक दो दिन शायद ब्लॉग नहीं आएगा। जब तक क्या पता मेरा बर्थडे आ चुका होगा या फिर मैं मेरे बर्थडे के बाद डाल रहा हूँ। आज के ट्रेल से मैंने एक चीज़ सीखी है
जो स्लश होता है ना भाई, स्लश के अंदर बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि स्लश के अंदर आपको पता नहीं लगता है कि फ्रंट व्हील है ना वो किस डायरेक्शन में जाने वाला होता है, तो इसलिए बाइक ना आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है स्लश के अंदर, और आपके टायर्स भी चेंज होने चाहिए, और थोड़ा सा 4x4 व्हीकल्स की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। तो चलो अभी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है ना, वो आने वाला है अपने स्विफ्ट के अलॉयज पे। तो स्विफ्ट के अंदर अपन ने अलॉयज अपग्रेड कर दिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। अभी चलते हैं अपन घर पे और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय राइट शेप। दिख रहा है। हाँ हाँ सुन 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 सुन, अभी कुछ मत कर। हाँ हाँ हाथ मत लगा। पानी की बोतल लाऊं? हाँ नहीं, पानी की बोतल नहीं, पहले सैनिटाइजर है। अरे अभी कुछ कीड़ा गिरा है। सैनिटाइजर है क्या हाथ? नहीं तो अभी कुछ भी मत कर, जलन हो रही है क्या? बहुत ज्यादा। हाँ तो रुक जा, अभी हाथ मत लगा, थोड़ा सा सहन कर ले, क्योंकि पानी से धोएगा ना अभी। रुक जा, हाथ गंदे हैं अपने, पहले हाथ अच्छे से वॉश कर, उसके बाद।